Now students, ये NCERT exercise problem number 2.5 from page number 65 है, ठीक है? तो statement में क्या कह रहे हैं? Yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength lambda of 580 नैनोमीटर, ठीक है? आपके पास एक सोडियम लैंप है, वो क्या कर रहा है? येलो लाइट की एमिशन कर रहा है, जिसकी वेवलेंथ कितनी ऑब्जर्व हो रही है? 580 नैनोमीटर. कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू के साथ डिनोट करते हैं, एंड वेव नंबर न्यू बार के साथ, ठीक है, ऑफ द येलो लाइट. आपने दो चीजें बतानी है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बतानी है, सेकंड जो है वेव नंबर बताना है. तो पहले आप बताओ कि आपके पास गिवन वैल्यूज कौन कौन सी है, ठीक है? लेमडा इक्वल टू 580 नैनोमीटर, ठीक है, कि वेवलेंथ हमारे पास 580 नैनोमीटर दी हुई है. अब ये नैनोमीटर में है, अब हमें आंसर जो है एसआई यूनिट में चाहिए, तो डेफिनेटली हम पहले क्या करेंगे, इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो 580 मतलब 1 नैनोमीटर किसके इक्विवेलेंट आता है? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर के इक्विवेलेंट आता है. डन. एंड अब आप इसको कन्वर्ट कर लो, 580 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है? तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो यू गेट द फाइनल आंसर 5.8, क्योंकि मैंने पॉइंट यहां पे लगा दिया, तो डेफिनेटली मेरे पास 5.8 को अगर मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, 10 रेज टू पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, आई गेट द सेम आंसर. तो 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर. सो योर आंसर इज 5.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 मीटर. मतलब आपने लैम्डा की वैल्यू जो है वो किस में कन्वर्ट कर ली है? वो आपने एसआई यूनिट में मीटर में कन्वर्ट कर ली है. डन. अभी हमने फाइंड आउट फर्स्ट क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है? न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा. अब सी क्या है यहां पे? सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो भी फिक्स होती है, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. वन रीजन इज दैट कि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो भी मीटर पर सेकेंड में, एसआई यूनिट में है. डन. तो अब आप वैल्यूज पुट कर दो. फर्स्ट न्यू की वैल्यू सी बाय लैम्डा, सो सी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, आपने सिंप्लीफाई कर चुके हो पहले ही, 5.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 मीटर. डन. मीटर के साथ मीटर आपने पहले कैंसिल कर दिया, 3 को जब आपने 5.8 के साथ डिवाइड किया, ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है? यू गेट दी आंसर 0.517, ठीक है. अब ये माइनस 7 है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिरेटर में जाके प्लस 7 हो जाएगा. 10 रेज टू पावर 8 प्लस 7 मीन्स 10 रेज टू पावर 15 हो गया, इंटू 10 रेज टू पावर 15 सेकेंड इनवर्स आ गया. अब डेफिनेटली अगर मैं इसको एक 10 कैरी कर देती हूं तो ये क्या हो गया? 10 रेज टू पावर 14 हो जाएगा. मतलब कि अगर मैं 0.517 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करती हूं तो आई गेट दी आंसर 5.17 इंटू 10 रेज टू पावर, इसने अपना एक 10 इसको कैरी कर दिया, तो डेफिनेटली ये 10 रेज टू पावर 14 आ गया, ठीक है, सेकेंड इनवर्स. और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 5.17 इंटू 10 रेज टू पावर 14, सेकेंड इनवर्स किसके इक्विवेलेंट आता है? हर्ट्ज के इक्विवेलेंट आता है. सो यू गेट द आंसर 5.17 इंटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्ज. अब नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? वेव नंबर बताना है, अपने न्यू बार बताना है, ठीक है. तो न्यू बार का फॉर्मूला क्या आता है? न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा. मतलब कि अगर आप वेवलेंथ का इनवर्स कर देते हो तो आपके पास वेव नंबर आ जाता है. डन. तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय 5.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 मीटर, ठीक है. तो जब आपने 1 को 5.8 के साथ डिवाइड किया, ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो गई? 10 रेज टू पावर माइनस 7 जो है ये अबव जाके 10 रेज टू पावर प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है. तो ये क्या आ गया? 1 इंटू 10 रेज टू पावर 7 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5.8 आ गया. डन. तो ये किसको कैरी कर सकता है? 10 अपना. सो 10 इंटू 10 रेज टू पावर 6 आ गया, डिवाइडेड बाय 5.8 आ गया. तो जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो यू गेट द फाइनल आंसर 1.72 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर इनवर्स. दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ वेव नंबर.